आज हम रेस्टोरेंट पे फेसबुक कवर डिज़ाइन करना सीखेंगे और हमने पहले से ही लोगो जो रेस्टोरेंट के डिज़ाइन कर रखे हुए हैं, आज हम इन्हीं को यूज़ करेंगे फेसबुक कवर में। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और अब हम लोगो को सेलेक्ट कर रहे हैं और हमने जो है लोगो को सेलेक्ट कर लिया है और साथ में जेपे को भी सिलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो है ड्रैग करवा रहे हैं और हमने इसे जो है फेसबुक कवर की तरफ ड्रैग करवा लिया है और अब हम लोगों को जो है सेलेक्ट कर रहे हैं और इसे जो है हमने ग्रुप करवा लिया कंट्रोल जी से। और अब हम लोगों को जो है छोटा करवा रहे हैं और हमने इसे जो थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और जो हमारा काम का टेक्स्ट है वो हम जो है साइड में कर लेंगे, बाकी चीज़ों को जो है रिमूव करवा देंगे। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से सबको जो है रिमूव करवा दिया। और हमने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम शेप जो है डिज़ाइन कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है शेप क्रिएट कीजिएगा। और हमने आइस रबर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है। और हमने फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया और अब हम इसका स्ट्रोक बढ़ा रहे हैं। आप इस तरीके से जो स्ट्रोक बढ़ाइएगा। और हमने इसके जो है कॉर्नर राउंड करवा दिए और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम मज़ीद इसका वेट बढ़ा रहे हैं। आप इस तरीके से जो है वेट बढ़ाइएगा। और हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है अल्ट की मदद से और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो है स्ट्रोक को सेट करवा रहे हैं। आप भी सही तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है इंडू करवा दिया और हमने जो है थोड़ा सा स्ट्रोक को जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है और हमने जो इसकी डुप्लीकेट ले ली है और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो इसे थोड़ा सा सेट करवा दिया है। आप भी इसी तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने अगेन जो स्टॉक की डुप्लीकेट ले ली है और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने स्टॉक को थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है सेंट्रल लाइन करवा रहे हैं सबको ताकि एक जितना स्पेस आ रहा हो। और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इन्हें अलाइन करवा दिया है। और हमने अगेन स्टॉक की कॉपी ले ली है और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है फ्रंट से भी जो है थोड़ा सा सेट करवा दिया है। और हमने अगेन जो स्टॉक की कॉपी ले ली और इसे जो सेट करवा दिया और हमने अगेन जो है स्टॉक की कॉपी ले ली है और हमने जो है सबको सेट करवा रहे हैं। और हमने इन्हें जो है सबको सेट करवा दिया है। आप भी तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने सबको जो है स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है और ऑब्जेक्ट में आके इसे जो एक्सपेंड करवा दिया। और हमने जो है जूम इन कर लिया है और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमारा जो है स्पेस जो किसी किसी में थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम अभी इसका स्पेस जो है सबका एक जितना कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा।
और हमने सब शेप को जो है सेट करवा दिया है, और हमने जो है जूम आउट करवा दिया है। और हमने रेक्टेंगल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने इसे जो है ड्रॉ कर लिया है, और हमने जो है सबको सेलेक्ट कर लिया है, और हमने जो है शेप का जो है कलर चेंज करवा दिया, और हमने इन्हें जो है ग्रुप करवा लिया है, और इन्हें जो हम अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने पेन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है शेप डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने आइस रबर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया, और हमने जो है फिल कलर सिस्टम में कन्वर्ट करवा दिया है, और अब हम इसका वेट बढ़ा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है वेट बढ़ाइएगा। और हमने इसकी शेप जो है वो कॉर्नर कर दी है, और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने शेप को जो है थोड़ा सा जो है लेफ़्ट साइड अलाइन करवा दिया और ऊपर की तरफ मूव करवा दिया। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से शेप को थोड़ा सा बड़ा करवा दिया वाइट वाले स्ट्रोक को, और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इन्हें जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है। और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा सा शेप जो है बढ़ा दिया। और हमने जो है ऑब्जेक्ट में आके इसे एक्सपेंड करवा दिया। और हमने सर्कल जो सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं, और हम जो है शिफ्ट की मदद से इसे ड्रॉ कर रहे हैं, आप भी शिफ्ट प्रेस कीजिएगा लाजमी। और अब हम लोगों को जो है ड्रैग करवा के ले आए हैं आर्ट बोर्ड की तरफ, और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हम लोगों को जो है छोटा करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और हमारी काफ़ी हद तक जो है लेआउट डिज़ाइन हो गई है रेस्टोरेंट की। और अब हम जो है डमी टेक्स डुप्लीकेट ले आए हैं, और अब हम इसमें जो डमी टेक्स टाइप कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो डमी टेक्स टाइप कीजिएगा। और हमने जो है रेस्टोरेंट टाइप कर लिया है, और हम अगेन जो डमी टेक्स टाइप कर रहे हैं, और हमने जो है स्पेशल भी टाइप कर लिया, और हमने जो फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ा रहे हैं, और हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया है, और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है फ़ॉन्ट को सेट करवाइएगा। और हमने जो सिलेक्शन टूल की मदद से इसे जो आर्ट बोर्ड की तरह मूव करवा दिया है, और हमने अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया, और हमने अब राइट साइड मूव करवा रहे हैं। और हम अगेन जो डुप्लीकेट ले आए हैं टेस्ट की, और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है, और अब हम जो है डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है डमी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा। और हमने डमी टेस्ट जो टाइप कर लिया है फ्राइडे नाइट्स लाइव कराची
9 to midnight, और हमने इसे जो है राइट साइड मूव करवा दिया है, और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आर्ट बोर्ड की तरफ मूव करवा दिया और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया, और अब हम इसे जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है फ्राइडे नाइट्स का जो है हमने फॉन्ट जो है थोड़ा सा बड़ा करवा दिया है, आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और हमने जो है कॉन्टेक्ट डिटेल की जो है डुप्लीकेट ले आए, और हमने इसे जो है अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया, और हमने जो है जूम इन कर लिया है। और हम अब इसका जो है कलर चेंज करवाएंगे। इससे पहले जो है हम डमी टेक्स्ट जो है ऐड करवा रहे हैं, और हमने जो है एजुकेशन की जगह पर रेस्टोरेंट टाइप कर लिया है, और अब हम वेबसाइट लिंक में भी जो है रेस्टोरेंट टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है टाइप कीजिएगा, और हमारी काफ़ी हद तक जो है रेस्टोरेंट की फेसबुक कवर जो है डिज़ाइन हो चुका है। बस थोड़ी सी अलाइनमेंट रह गई है और ये हमारा जो है कवर वो डिज़ाइन हो जाएगा। और हमने जो है डार्क सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम इसका जो है कलर चेंज करवा रहे हैं स्ट्रोक का, और हमने इसका कलर जो है चेंज करवा दिया, और हमने जो है जूम आउट करवा दिया। और अब हम इमेज जो है ड्रैग करवा के लिए आए हैं, और अब इमेज को जो है सेट करवा रहे हैं, और हमने इमेज को जो है थोड़ा सा छोटा करवा दिया है। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा, और हमने इमेज को जो है शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा बड़ा करवा दिया। इससे पहले जो है हमने रेक्टेंगल की कॉपी ले ली, और हमने जो है पेस्ट करवा दिया कंट्रोल बी से, और ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया, और हमने जो शेप डिज़ाइन किए हैं उन्हें जो है हम डिवाइड करवा देंगे ताकि हम इसे जो है डिलीट करा सकें इजीली। और हमने जो है डिवाइड करवा दिया और अनग्रुप करवा के इन्हें जो है हम रिमूव करवा रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो जूम इन करवा दिया है, और हम बाकी की चीज़ें जो रिमूव करवा रहे हैं। आप भी तरीके से जो रिमूव करवाइएगा। और हमने ऑरेंज कलर जो चेंज करवा दिया कलर में आके, और हमने स्ट्रोक से फिल कलर में कन्वर्ट करवा दिया, और हमने स्ट्रोक जो क्लोज कर दिया, और हमने कंट्रोल एस करवा दिया, और हमने जो है टेस्ट को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल बी करवा दिया। और हमने इमेज की जो है कॉपी ले ली है, और अब हम जो है क्लिपिंग मास्क करवा रहे हैं, और हम उसे पेस्ट भी करते हुए जा रहे हैं ताकि हमारी इमेज जो है एक ही साइज़ में आ रही हो। और हमने जो है काफ़ी हद तक जो है क्लिपिंग मास्क करवा दिया है। आप भी इस तरीके से जो है क्लिपिंग मास्क करवाते जाइएगा। लाजमी पहले शेप को भी सिलेक्ट कीजिएगा और इमेज को भी सिलेक्ट कीजिएगा, तभी आपके पास जो है मेक क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आएगा। और हमने जो है मेक क्लिपिंग मास्क करवा दिया है सभी इमेजेस को, और हमने जो है लोगो को और सर्कल को सिलेक्ट कर लिया है, और अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया, और इसे हमने जो है ग्रुप करवा लिया कंट्रोल जी से। और हमने जो डार्क सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज को जो है सिलेक्ट कर लिया है, और हम इमेजेस को जो सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी एक जो है इमेज जो है वो काफ़ी है कट रही है, और हमने इसे जो थोड़ा सा बड़ा करवा दिया सब इमेजेस को, और हमारी जो है लेवल पर इमेजेस हो गई। और हमने जो जूम आउट करवा दिया, और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है, और हमने एक जो है फेसबुक कवर जो डिज़ाइन कर लिया है रेस्टोरेंट का, और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है, और हम सेकंड ऑप्शन डिज़ाइन करने जा रहे हैं, और हम बाकी की चीज़ों को जो है रिमूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सिलेक्शन टूल की मदद से रिमूव करवाइएगा। और हमने इन्हें जो है रिमूव करवा दिया है, और हमने कॉन्टेक्ट डिटेल को जो है डाउन की तरफ मूव करवा दिया है, और हमने जो है लोगों की डुप्लीकेट ले ली है, और हमने सेकंड आर्ट बोर्ड की तरफ मूव करवा दिया है।
और हमने इसे जो है अनग्रुप करवा लिया और हमने जो सर्किल रिमूव करवा दिया है और हम लोगों को जो है राइट साइड मूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो हम ड्रॉ कर रहे हैं और हमने इसे जो है ड्रॉ कर लिया है और हमने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने लोगों को मज़ीद राइट साइड मूव करवा दिया है। और हमने सर्कल जो सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा और हम जो शिफ्ट की मदद से ड्रॉ कर रहे हैं। लाजमी शिफ्ट प्रेस कीजिएगा ताकि आपका जो है सर्कल वो परफेक्ट डिज़ाइन हो सके। और हमने इसे जो है ड्रॉ कर लिया और हमने जो रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं और हमने भी जो है रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है और सिलेक्शन टूल की मदद से दोनों को सेलेक्ट करवा दिया है और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हम अब सर्किल और रेक्टेंगल को थोड़ा सा जो है मज़ीद बड़ा कर रहे हैं और हमने जो है डाउन की तरफ भी चेक कर लिया ताकि हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं है और हमने जो है राइट साइड भी चेक कर लिया और हमने जूम आउट करवा दिया और हम अब पाथफाइंडर में आ गए और इन्हें जो है मर्ज करवा दिया। और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और हमने रेक्टेंगल को भी जो है सेट करवा दिया है और हम अब डाउन की तरफ चेक कर रहे हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई हुई और हमने जो है जूम आउट करवा दिया और हमने पेन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम शेप जो है क्रिएट कर रहे हैं और हमने आइस रबर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया और हमने फिल कलर से स्ट्रोक में कन्वर्ट करवा दिया है और अब हम इसका वेट बढ़ा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है वेट बढ़ाइएगा और हमने इसके शेप जो है कॉर्नर करवा दिए हैं और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और ऑब्जेक्ट में आके हमने इसे जो एक्सपेंड करवा दिया और हमने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है एक पॉइंट को सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है शेप का पॉइंट सेट करवाइएगा और हमने जो है जूम इन कर लिया है और अब हम एंकर पॉइंट जो मूव करवा रहे हैं अल्ट की मदद से और हमने जो इंडू कर लिया है और हमने जो है डाउन वाले पॉइंट को जो है मूव करवा दिया है और हम अब इसका एंकर पॉइंट जो मूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा और हम मज़ीद इसकी सेटिंग कर रहे हैं और हमने जो है जूम इन कर लिया है ताकि हम परफेक्ट जो है लाइन कर सकें और हमारी जो है अभी भी थोड़ी सी मिस्टेक है और हम अब जो है थोड़ा सा इसे सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा और हमने जो है कंट्रोल वाई कर लिया है और हम जो स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं और हमने जो है दोनों को सेलेक्ट करवा के और हमने इसे जो है लेफ्ट लाइन करवा दिया और हमने जो है परफेक्ट लाइन डिज़ाइन कर ली है और हमने जो है कंट्रोल वाई करवा दिया। हम स्ट्रक्चर से बाहर आ गए हैं और हमने कंट्रोल वाई करवा दिया है और हमने जो है अब जूम आउट करवा दिया और हमने जो है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है और अब हम लोगों को जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है लोगों को सेट करवाइएगा और हमने जो है जूम आउट करवा दिया है और हमने जो है शेप को लोगों को ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं और हमने जो है जूम इन करवा दिया और हम अब जब मीटर से डुप्लीकेट ले आए हैं और अब हम जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है टेस्ट को सेट करवाइएगा और हमने जो फॉन्ट साइज दोनों का सेम करवा दिया और अब हम इसे जो अलाइन करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो अलाइनमेंट करवाइएगा और हमने जो है इसे आर्टबोर्ड की तरफ मूव करवा दिया अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया है और हमने जो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करवा दिया और अब हम इसे जो सेट करवा रहे हैं।
और ये कलर जो है थोड़ा सा जो है लाइट हो रहा है, मैंने इसे जो डार्क करवा दिया है, और हमने शेप का भी कलर जो है डार्क करवा दिया। और अब हम लेयर के अंदर आ गए हैं और हम अब कॉन्टेक्ट डिटेल को सेट करवा रहे हैं, अलाइन करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है जूम इन कर लिया है और हम अब जो है वेबसाइट लिंक को सेट करवा रहे हैं, और हमने इसे जो है वेबसाइट लिंक को भी सेंट्रल लाइन करवा दिया है। और हम लेयर से बाहर आ गए हैं और हमने कॉन्टेक्ट डिटेल जो है आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा दी है। और अब हम जो है स्ट्रोक का कलर चेंज करवा रहे हैं, और हमने जो है स्ट्रोक का कलर जो है चेंज करवा दिया। और अब हम एजुकेशन की जगह पर जो है रेस्टोरेंट टाइप कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है रेस्टोरेंट टाइप कीजिएगा। और हमारी काफ़ी हद तक जो है रेस्टोरेंट की सेकंड पोस्ट भी जो डिज़ाइन हो गई है। आप भी इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करते रहें ताकि हम मज़ीद आगे बढ़ सकें और ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और हमने जो है जूम आउट करवा दिया है, और अब हम जो है शेप को जो है डुप्लीकेट ले आए, और हमने इसे जो है रिलीज़ करवा दिया क्लिकिंग मास, और हमने शेप को जो है रिमूव करवा दिया है। और अब हम इमेज जो है सेट करवा रहे हैं, और हमने जो है इमेज को मैक क्लिकिंग मास करवा दिया। और हमारी सेकेंड पोस्ट भी जो है डिज़ाइन हो गई है काफ़ी हद तक, और हमने जो जूम इन कर लिया है, और हमने सर्कल जो है सेलेक्ट करवा दिया है। और हम अब जो है सर्कल जो है ड्रॉ कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा और लाजमी शिफ्ट प्रेस कीजिएगा। और हमने जो है सर्किल ड्रॉ कर लिया। और हमने जो है आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर जो है चेंज करवा दिया है, और हमने सिलेक्शन टूल की मदद से इसे जो है अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा दिया। और हम सेटिंग कर रहे हैं सर्किल की, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है ड्रॉ कीजिएगा। और हमने जो है ड्रॉ कर लिया है, और हमने सर्कल और रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया है, और पाथ फाइंडर में आके हम इसे जो है डिवाइड करवा देंगे। और अब हम जो अनग्रुप करवा रहे हैं, और अब इन्हें जो है हम रिमूव करवा देंगे। और हमने अरेंज में आके सेंड टू बैक कर दिया। और हमारे सेकंड कवर भी जो है फेसबुक का डिज़ाइन हो गया रेस्टोरेंट का, और हमने जो जूम आउट कर लिया है। और अब हम जो है थर्ड ऑप्शन जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, और हमने पेन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम शेप जो है डिज़ाइन कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और अब हम शेप जो क्रिएट कर रहे हैं, और हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो आगे बढ़िएगा। और हमने जो है शेप जो है डिज़ाइन कर ली है, और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है, और हमने जो है इसे थोड़ा सा जो है लेफ्ट अलाइन करवा दिया। और हमने जो है डार्क सिलेक्शन टूल की मदद से जो है हमने इसके पॉइंट जो है राइट साइड मूव करवा लिए हैं। और अब हम इसकी जो डुप्लीकेट ले आए अल्ट की मदद से, और अब हम जो है इसका कलर जो है चेंज करवा रहे हैं आइस ड्रॉपर की मदद से, आप भी इस तरीके से जो है इसका कलर चेंज करवाइएगा। और हमने जो है
ब्लैक वाले को सिलेक्ट कर लिया है और हमने जो है अरेंज में आके इसे ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने अगेन जो है एस ड्रॉपर जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम उसका कलर जो है चेंज करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है कलर चेंज करवाइएगा। और हमने जो है लाइट ऑरेंज को जो है सेलेक्ट कर लिया है और हम जो है अब इसका कलर जो है चेंज करवा रहे हैं और हमने इनका कलर जो है चेंज करवा दिया है। और हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है और हम इसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और हमने सबको जो है सेलेक्ट करवा लिया सिलेक्शन रूल की मदद से और पास फाइंड में आके इन्हें जो हमने डिवाइड करवा दिया और हमने अनग्रुप करवा दिया। और अब हम जो है रिमूव करवा रहे हैं और हमने जो अंडू कर दिया है क्योंकि हमने शेप जो है डिलीट करवा दी थी, इसीलिए हमने जो है अंडू करवा दिया। और हमने जो है शेप को जो है कलर चेंज करवा दिया है और हम बाकी की चीज़ें जो है रिमूव करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है रिमूव करवाइएगा। और अब हम जो है सर्कल की डुप्लीकेट ले आए हैं और हम जो है इमेज को जो है रिलीज़ करवा देंगे। और हमने जो है इसे रिलीज़ करवा दिया और हमने जो है सर्कल को रिमूव करवा दिया और हमने इमेज को जो है आर्टबोर्ड की तरह मूव करवा दिया है। और दोनों को जो है मैक क्लिपिंग मास्क करवा रहे हैं और दोनों को अब मैक क्लिपिंग मास्क करवा दिया है। और अब हम जो है इसे सेट करवा रहे हैं इमेज को। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो जूम आउट कर लिया है और हम लोगों को और बाकी का डमी टेक्स्ट जो डुप्लीकेट लेकर आ रहे हैं ताकि हमारा थर्ड ऑप्शन भी कंप्लीट हो सके रेस्टोरेंट का। और हमने जो डुप्लीकेट करवा ली डमी टेक्स्ट की और हमने जो है अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने जो है टेस्ट का कलर जो है चेंज करवा रहे हैं और हमने जो है ब्लैक से वाइट में से कन्वर्ट कर दिया। और जो हमारा स्टॉक आ गया उसे हमने जो है फिल कलर में जो है कन्वर्ट कर दिया और हमने स्टॉक जो है उसका क्लोज कर दिया। और अब हम जो है क्वांटिटी डिटेल का जो है कलर चेंज करवा रहे हैं और हमने जो है टेस्ट को सेलेक्ट कर लिया है डायरेक्ट सिलेक्शन रूल की मदद से और हमने जो है जूम इन करवा लिया है। और अब हम आइकन को भी जो है सेलेक्ट कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेलेक्ट कीजिएगा। और हमने जो है अब सबका कलर जो है चेंज करवा दिया। और हमने जो सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और हमने जो जूम आउट करवा दिया है और अब हम लोगों की जो डुप्लीकेट ला रहे हैं और हमने जो थर्ड आर्टबोर्ड की तरफ से मूव करवा दिया है और अरेंज में आके हमने जो ब्रिंग टू फ्रंट करवा दिया। और हमने जो जूम इन कर लिया है और हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इमेज सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो इमेज सेट कीजिएगा। और हमारी थर्ड जो ऑप्शन भी है वो डिज़ाइन हो गया फेसबुक कवर रेस्टोरेंट का। और अब हम लोगों को जो है सेट करवा रहे हैं और हमने जो है जूम आउट करवा दिया। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।